हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोग से वादा किए थे ना कि आप लोगों को गांव दिखाएंगे अपना। तो भाई आज गांव का ब्लॉग रेडी है, आप लोग के लिए तैयार है। अभी गांव का पूरा गांव आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा ब्लॉग गांव का होगा। गांव में क्या सुविधा है, क्या नहीं है, हर चीज आप लोगों को बताएंगे। और गांव का नाम सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर। तो हाँ, समस्तीपुर जिले में, बिहार के समस्तीपुर जिले में कर्पूरी ग्राम गाँव है हमारा। और ये गांव कर्पूरी ठाकुर के नाम पे है। कर्पूरी ठाकुर आप जानते होंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो उन्हीं के नाम पे गांव है कर्पूरी ग्राम। पहले ये गांव फितोजिया था, लेकिन उनके मरने के बाद गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। तो पूरे हर गांव से रिलेटेड हर बात आप लोग को इस ब्लॉग में बताएंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए पूरे गांव मेरा। तो भाई गांव की शुरुआत सबसे पहले देवी मंदिर से। गांव का ये हम लोग का दुर्गा माँ का मंदिर है। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा में मेला लगता है और काफी अच्छा मेला लगता है। दुर्गा पूजा हमारे गांव में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारा गांव का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर। तो सोचे गांव स्टार्ट सबसे पहले, और स्टार्ट में क्या, गांव के स्टार्ट में सबसे पहले दुर्गा मंदिर ही आपको मिलेगा। तो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो ये दुर्गा मंदिर आप लोग देखिए पहले। भाई ये मेरे गांव का मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय लक्ष्मी नारायण राजकीय मध्य विद्यालय कर्पूरी ग्राम। तो भाई यहाँ से क्या है ना कि हम भी यहाँ 8 तक की पढ़ाई होती है, और हम भी कभी कभी स्कूल यहाँ आते थे भाई मस्ती करने के लिए। बहुत मजा आता था यहीं पे। मेरा बचपन लगभग करीब कुछ मतलब बचपन का भाई 1-2 साल तो जरूर यहाँ पे बीता भाई। बहुत मस्ती करते थे यहीं पे भाई। 8 तक की पढ़ाई होती है ये स्कूल, गांव में ही है हम लोग के, मेन ताजपुर कर्पूरी ताजपुर समस्तीपुर रोड पे ही है। तो ये मिडिल स्कूल है, फिर आप लोग देखिए और फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं गाँव में क्या। ये भाई पावर सब स्टेशन आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, ये गांव का कर्पूरी ग्राम का पावर सब स्टेशन है। यहाँ से गांव के पूरा कर्पूरी ग्राम पंचायत में 8-10 गांव है, सारे गांव को बिजली जाता है, यहीं से जाता है। तो भाई गांव में ये भी सुविधा है लाइट की, भाई क्या उत्तर प्रॉब्लम है यहाँ। अगर ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा भाई। तो इस वजह से सब स्टेशन होने की वजह से लाइट का अच्छा सुविधा भी है कर्पूरी ग्राम में। आइए आप लोग को दिखा देंगे, सारा मशीन सब है, उसी से सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है गांव में, बिजली जो है वो पहुंचाया जाता है। भाई यही सारा मशीन है, ये पावर सब स्टेशन का मशीन है, देख लीजिए। इसी से सारा पूरा कर्पूरी ग्राम पंचायत और उसके अगल बगल गांव में भी बिजली जाता है। इसी से सारा, यही से सारा हैंडल होता है। ये जेई मैम है, यही सारा प्रोवाइड करती है। तो सर यही है कर्पूरी ग्राम का सब स्टेशन। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट। गैस प्लांट का, गैस प्लांट है, इससे कोरोना महामारी में भाई ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। यहाँ से पटना, बरौनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मतलब बिहार के हर वो कोने में जहाँ पे भी गैस की जरूरत हुआ है, इसका ये नीड्स जो है, ये प्लांट जो है वो पूरा किया। तो कोरोना महामारी में भाई बहुत अच्छा रोल ये प्लांट खेला, मतलब दिखाया अपना। सॉरी, यहाँ पे क्या है भाई, गैस को सील किया जाता है, सिलेंडर सब है, सिलेंडर आता है यहाँ पे, गैस को सील किया जाता है, उसको गैस को स्टोर किया जाता है वहाँ पे। आपको दिख रहा होगा बड़ा सिलेंडर बाई ट्रांसपोर्ट ट्रक से आता है, स्टोर करके फिर गैस को फिल करके और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो भाई ये भी एक प्लांट कर्पूरी ग्राम में है, तो सोचिए आप लोग को दिखाया, जो कोरोना महामारी में एक बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो आप लोग देखिए प्लांट, यही वो सिलेंडर है, देखिए यही वो, इसमें गैस को रखा जाता है और फिर उसके बाद उसमें फिल करके सिलेंडर में, छोटे छोटे सिलेंडर में, और हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आइए भाई से पूछते हैं जो यहाँ पे देखभाल करते हैं, कि कोरोना महामारी में क्या यहाँ से हेल्प कर पाए हैं ये लोग, कितना सिलेंडर एक दिन में भर के भेजते थे कोरोना महामारी में, जो बहुत ज्यादा अभी कोरोना चल रहा था बिहार में। पर डे 2000 सिलेंडर कहाँ कहाँ जाता था यहाँ से सिलेंडर? यहाँ से वैशाली जाता था, यहाँ लास्ट आपका मधुबनी तक जाता था। अच्छा अच्छा, पटना वटना भी जाता था क्या? जी पटना भी जाता था। अच्छा, और इधर आपका दलसिंहसराय हो गया। अच्छा अच्छा, बसवाड़ा बरौनी तक जाता था, बरौनी तक जिला तक, मतलब यहाँ सप्लाई की 12 जिला तक सप्लाई किए हैं। वाह क्या बात है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, कोरोना महामारी में इतना हेल्प किए ये लोग, इसके लिए सलाम है ऋषभ सिंह ब्लॉग्स का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि कोरोना महामारी में इतना आप लोगों ने मेहनत किया। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ब्लॉग में क्या क्या गांव में है, और भी बहुत कुछ है भाई देखने को इंटरेस्टिंग चीज। तो ब्लॉग में प्लीज बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, ताजपुर समस्तीपुर रोड है, आपको दिखाएं दुर्गा मंदिर, और यहाँ से बोर्ड लगा हुआ, और हम लोग का गाँव कर्पूरी ग्राम, यहाँ से स्टार्ट ग्राम जो है वो पूरा स्टार्ट होता है। हम लोग का गांव जो है भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये एंट्रेंस है मेरे गांव का, यहाँ से देखिए पूरा ग्रीन गांव। ऐसा गांव अगर बिहार में हो तो भाई फिर मजा ही क्या। आज तक की भाई चित्रा त्रिपाठी भी आई थी गांव में, तो यही कमेंट की थी कि ऐसा गांव अगर बिहार का सब हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम से गांव है कर्पूरी ठाकुर जी, उनका घर जाने का रास्ता यही है भाई। यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार जी आके भी उद्घाटन किए हैं, लालू यादव जी भी आके उद्घाटन किए हैं, पढ़ रहे होंगे आप लोग नाम, लालू यादव जी इस रोड का उद्घाटन किए थे। तो चलिए आप लोगों को कर्पूरी ठाकुर का घर भी दिखाते हैं, यही रास्ता उनके घर तक जाता है, पूरा रास्ता उन्हीं के घर तक जाने के लिए ही बना है स्पेशल। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं,
मंदिर, स्वामीनाथ जी का मंदिर है, ये सबसे पुराना मंदिर है गांव का, काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे जब भी कोई गांव में शादी वादी करने जाते हैं या शादी करके आते हैं तो यहाँ पे जरूर आगे प्रणाम करते हैं। ये भी आप लोगों के लिए देखना जरूरी था। और इसी से आगे कर्पूरी ठाकुर जी का घर भी है, ये देखिए अमन जो साथ में वीडियो बना रहा है, अंशु परेशान हो रहा है, क्या बोले, शर्मा भी रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों, बोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं, स्मृति भवन कर्पूरी ठाकुर का हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जनाए कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के कर कमलों द्वारा 17/2/1997 को संपन्न हुआ। कहने का मतलब ये जो घर आपको दिख रहा है स्मृति भवन, ये कर्पूरी ठाकुर का उद्घाटन लालू यादव 1997 में आके उनके जन्मतिथि पुण्यतिथि के दिन, वही जन्मतिथि की चीज है, घर जो है यहीं पे उनका कर्पूरी ठाकुर का पुराना वाला घर जो मरैया घर था उनका यहीं पे था, और वो तोड़ के बाद में उनके मरने के बाद स्मृति भवन ये बना दिया गया। चलिए आप ये देखिए उनका घर, अभी यहाँ पे उनके कुछ परिवार रहते हैं, उनका बेटा भी गांव में रहते हैं लेकिन उनका घर अलग है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए उनका, यहाँ पे हर साल उनके पुण्यतिथि पे आते हैं मुख्यमंत्री बिहार के जो भी होते हैं, अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ही हैं, आते हैं माला अर्पण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके घर को नमन करते हैं और फिर जाते हैं। तो यही उनका घर है, अभी घर में कोई है नहीं, गेट लॉक है, नहीं तो आप लोग को अंदर भी जाके दिखाते, यही उनका घर है। अब चलिए पूरा गांव और दिखाते हैं, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। चलिए घर आप लोग को दिखा दे, कर्पूरी ठाकुर जी का यही घर है, यहाँ पे पहले मरैया का घर था और फिर ये पक्का घर सरकार के द्वारा सरकार के तरफ से बनाया गया। चलिए आगे गांव आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए मेरे गांव का भाई, ये दरबार है, ये पहले दरबार हुआ करता था, यहाँ बहुत सारा घोड़ा क्या कहते हैं हाथी ये सब यहाँ पे ढेर सारा होते थे, लेकिन ये अब टूट चुका है, खराब खंडर हो चुका है, लेकिन ये बहुत यूनिक चीज है भाई, देख रहे हो ऐसा घर अब कहाँ मिलता है। तो ये भी एक यूनिक चीज है मेरे गाँव का भाई, आगे चलो और चीज दिखाते हैं भाई, ब्लॉग में बन के रहिएगा आप लोग। ये गाँव का मेन टोला है, देखिए कर्पूरी ग्राम का, यहाँ पे सब हम लोग का घर है, हम लोग तो एक्चुअली गांव से थोड़ा बाहर जाके घर बना लिए हैं, लेकिन मेन गांव यही है। और ये गांव का टंकी है जिससे पूरा गांव, पूरा पंचायत कर्पूरी ग्राम पंचायत को पानी जाता है। इसको भाई ये आप लोगों को टंकी दिख रहा होगा, ये मेरे गांव का एक चौक है, छोटा सा चौक है, यहाँ पे 3-4-5 दुकान है, थोड़ा बेसिक नीड्स जो गाँव के होते हैं मिल जाता है, और ये आप लोगों को पानी टंकी दिख रहा होगा। तो इसका मेरे लिए पॉसिबल नहीं था भाई, और ऊपर जाना प्रशासनिक तौर पे सही भी नहीं है, तो इसी वजह से जो यहाँ पे रहते हैं उन्हीं को ऊपर चढ़ा के कल वीडियो शूट करवा लिया था गांव का, ऊपर से पूरा गांव दिख रहा है। तो देखिए कैसा लग रहा है, बहुत मजा। ठाकुर के बेटे का रामनाथ ठाकुर जी का घर है, जो अभी फिलहाल में बिहार के सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद है, उनका यही घर है, वो अपना पुराना घर जो इनका है, जो सरकारी निवास है, वो हटके अपना घर ये बना लिए हैं, यहीं पे रहते हैं। देखिए इनका घर, ये पूरा उनका घर है, इसी में वो रहते हैं। चलिए आगे और दिखाते हैं, इनके घर से सटा हुआ जस्ट एक बैंक भी है, जो गाँव का बैंक है, कर्पूरी ग्राम ब्रांच SBI का। तो गाँव में भाई हर एक सुविधा है, कोई चीज और नहीं, ये जो है ना पूरा गिट्टी गांव में क्या ना भाई, रैक पॉइंट है, गिट्टी बालू सीमेंट ये सब का रैक लगता है, और गिट्टी का यहाँ थोक भी रहता है, मतलब समझ लो ये समस्तीपुर जिले का, तो यहाँ आपको गिट्टी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये बिजनेस के मामले से भी भाई गांव बहुत तरक्की कर चुका है, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोड आप जो देख रहे हैं, ये समस्तीपुर से आता है और इधर ताजपुर जाता है, ये ताजपुर समस्तीपुर रोड है भाई। भोला बाबा का लास्ट, मेरे गाँव का लास्ट ये पॉइंट है, यहाँ पे भोला बाबा का मंदिर है, ये जो एंट्री आप देख रहे हैं, सॉरी ये एग्जिट है कर्पूरी ग्राम का, मेरे गाँव का यहाँ से निकलने का रास्ता है, वो आप लोगों को दिखाया तो वो एंट्री था जहाँ बोर्ड लगा हुआ है कर्पूरी ग्राम का, और ये एग्जिट है, यहाँ देख लीजिए मंदिर है, और
इधर निकलने का रास्ता है। ये जो गिट्टी उल्टी का रैक वैक लगता है, इस वजह से एक अलग से गांव में एक रोड बनाया गया है ताकि जाम वैम वगैरह नहीं लगे गांव में, और बच्चे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो क्योंकि ट्रक ट्रैक्टर ज़्यादा चलते हैं। ये गाँव का पेट्रोल पम्प इंडियन ऑयल, गाँव में पेट्रोल पम्प की भी सुविधा उपलब्ध है भाई, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे रैक पॉइंट लगता है, गाड़ी घोड़ा इतना चलता है, इस वजह से तो होना ही चाहिए। वो भी दो दो पेट्रोल पंप है, एक आगे भी है भाई। ये देखिए गोडाउन वगैरह, यहाँ पे सीमेंट वगैरह स्टोर किया जाता है पेट्रोल पंप गांव का, देखिए। और यहीं पे देख रहे हैं आप लोग, वो दिख रहा होगा रेलवे लाइन आगे गाँव का भाई। ये देखिए कर्पूरी ग्राम स्टेशन, यहाँ पे रैक पॉइंट आपको बोले ही रैक पॉइंट। अभी देखिए गिट्टी खाली हो रहा है, वही जब आपको मंडी दिखाई थी गिट्टी का, वहीं पे गिट्टी उतर के जाता है, फिर वहां से सेल होता है। देखिए कर्पूरी ग्राम स्टेशन भी है यहाँ पे, बोले ना भाई गांव में हर वो चीज है, ऐसी नहीं चित्रा त्रिपाठी बोली थी भाई। यही कर्पूरी ग्राम स्टेशन है, अब हम देख रहे हैं पूरा रैक पॉइंट। अधिकतर यहाँ पे ज्यादा रैक लगता है, देख रहे हैं चारों साइड से घिरा हुआ है, ट्रक से हर तरफ ट्रक लगा हुआ है। यही स्टेशन है कर्पूरी ग्राम। चलिए आप लोग को प्लेटफॉर्म भी थोड़ा दिखा देते, प्लेटफॉर्म हर चीज है। देखिए गिट्टी का रैक लगा हुआ है, गिट्टी खाली हो रहा है, वहीं से फिर उतर के जाता है ग्राउंड में, फिर वहां से बिकता है मंडी, जिसको यहाँ लोकल भाषा में मंडी बोलते हैं हम लोग गिट्टी का। यही स्टेशन है भाई कर्पूरी ग्राम का, यहाँ पे पैसेंजर तो रुकता ही है, 3-4-5 फास्ट एक्सप्रेस भी रुकते हैं, जननायक है तो कर्पूरी ठाकुर के नाम से ये तो रुकना ही है। तो ऐसे ट्रेन है ढेर सारे जो यहाँ पे भी रुकते हैं, मुजफ्फरपुर दरभंगा दिल्ली सब जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो भाई ट्रेन भी जा रहा है, ये जो रूट है ना भाई, ये इधर चल जाइएगा तो मुजफ्फरपुर और इधर समस्तीपुर जंक्शन है, अभी मुजफ्फरपुर साइड इधर से ये मालगाड़ी आ रही है। यहाँ से हाई स्कूल का ग्राउंड स्टार्ट होता है, जिसके अंदर स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहले आता है, फिर हाई स्कूल। ये देखो भाई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर, तो ये भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा मोटा बीमारी का इलाज यहाँ पे हो जाता है गाँव में, तो ये पहला भाई स्वास्थ्य केंद्र है। उसके बाद आगे भाई हाई स्कूल है, फिर उसके बाद कॉलेज है। चलिए आप लोग को हाई स्कूल भी दिखाते हैं। ये जो मूर्ति आप लोगों को दिख रहा है, ये कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति है, जो कि 2003 में शरद यादव जी जो है, जब वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत सरकार के थे, तब आके इसका उद्घाटन किए थे। और इनके जस्ट पीछे आपको भाई हाई स्कूल कर्पूरी ग्राम का दिख रहा होगा, जो आप लोग को बोल रहे थे अभी कि हाई स्कूल भी है, तो ये प्लस टू प्रभावती राम दुलारी उच्च विद्यालय कर्पूरी ग्राम हाई स्कूल कर्पूरी ग्राम का। और ये जो आपको प्रतिमा दिख रहा है, हर साल नीतीश कुमार या बिहार के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो इनके जन्मदिन के दिन आके माल्यार्पण यहाँ पे करते हैं। और ये पूरा ग्राउंड है भाई, और ये ग्राउंड के अंदर स्वास्थ्य केंद्र, हाई स्कूल और कॉलेज सारा एक ही जगह है भाई, सारी सुविधा एक ही जगह उपलब्ध है। तो इसीलिए भाई गाँव जो है भाई कतई शहर है, गाँव बहुत अच्छा गाँव है। देखिए आप लोग कैसा गांव लग रहा है आप लोग को वो कमेंट में बताइएगा, आपका गांव कैसा है ये भी बताइए, आपके गांव में क्या क्या सुविधा है क्या नहीं है वो भी बताइएगा, और कैसा लग रहा है मेरा गांव ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24/1/1924 और निधन उनका 17/2/1988 में हो गया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री शरद यादव खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत सरकार 2003 में आगे यहाँ पे किए थे। ये देखिए कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा भाई, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा समतल सा जमीन, ये हेलीपैड है, यहाँ पे जब भी मुख्यमंत्री बिहार के आते हैं या वैसे कोई माननीय आते हैं हेलीकॉप्टर से तो यहीं पे उतरते हैं। और ये देखिए ये पूरा हाई स्कूल का बिल्डिंग, ये आप लोग को स्टेज दिख रहा होगा भाई, ये स्टेज पे आके भाषण देते हैं नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी, बहुत बड़े बड़े नेता मुलायम सिंह तक हमारे गाँव में आए हैं भाई, तो ऐसे ही आपको बताते हैं। और ये कॉलेज का बिल्डिंग आप लोग को दिख रहा होगा, तो चलिए और बगल से आप लोग को दिखाते हैं कॉलेज का बिल्डिंग। GKP कॉलेज कर्पूरी ग्राम, ये एंट्रेंस है कॉलेज का, देख रहे होंगे ये पूरा कॉलेज है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का हर एक स्ट्रीम का यहाँ पे पढ़ाई होता है। ये पूरा कॉलेज आप लोग देख रहे होंगे, ये गार्डन है, कॉलेज का बिल्डिंग है, ये देखिए पूरा कॉलेज का बिल्डिंग है, अंदर का पार्ट है ये, यहाँ पे ग्राउंड है, थोड़ा सा गार्डनिंग किया हुआ है। तो गाँव में भाई कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, पावर ग्रिड भी है, कहने का मतलब जो बेसिक नीड्स होता है गांव का वो हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे भी एक अच्छा सा मूर्ति कर्पूरी ठाकुर जी का है, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। चलिए त्रिमूर्ति भवन इस बिल्डिंग का नाम है, निर्भय होकर जियो, स्वाधीन होकर चलो, लोकहित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर दो, कर्पूरी ठाकुर का ऐसा कहना था। ये देखिए उनका कर्पूरी ठाकुर जी का माता पिता का भी यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, ये उनके माता
पिताजी हुए गोकुल ठाकुर, ये कर्पूरी ठाकुर जी जननायक कर्पूरी ठाकुर, और ये उनकी माता स्वर्गीय फुलेश्वरी देवी। पहले जब एक ऊपर में भी फ्लोर है, दो फ्लोर का है, उधर भी है इधर भी है, पूरा क्लास व्लास वगैरह सब चीज़ है। और यहाँ पे अनावरण जैसे ही एंट्री आप लीजिएगा, ये देखिए मूर्ति भव्य कॉलेज के बाहर कर्पूरी ठाकुर जी का, और उनकी कुछ बातें। यह बिहार भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, महात्मा गांधी की कर्म भूमि तथा जयप्रकाश की आह्वान भूमि रहा है। यह बिहार जनता के हित में प्रगति भूमि तथा परिवर्तन भूमि बनेगा। कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 से 17 फरवरी 1988। क्या बात है, उनकी बातें विचार सब भाई कुछ ही अलग, कुछ अलग क्या बहुत अलग था। तो भाई यही ब्लॉग था मेरे गांव का, पूरा कर्पूरी ग्राम का ब्लॉग, मेरे गांव में क्या क्या है, क्या क्या सुविधा है, हर चीज का सुविधा है ही भाई, तो उसमें क्या दिखाया आप लोग को, हर चीज का सुविधा है। तो भाई कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। जय हो, मिलते कुछ नया लेके कुछ अलग लेके।